हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं हार्वेस्टिंग करने वाली हूँ। सारी थोड़ी थोड़ी सी मेरी सारी वेजिटेबल हो रखी है, और क्योंकि मेरे पौधे कम हैं ऊपर, तो देखिए जो भी हार्वेस्टिंग होता है मैं हमेशा आपको लाइव, एक्चुअली मैं कोई कट नहीं करती हूँ वीडियो को, मोस्टली जहाँ तक हो सके, बाई चांस ही कभी कट हो जाए, अदरवाइज़ मैं हमेशा जो चीज़ें जैसी है वैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आज हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। एक बैगन मिला है, देखिए ये बैगन है, और दूसरा भी एक बैगन है जिसकी भी मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। देखिए दूसरा भी एक बैगन है, इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। पहले मैं आपको जगह पर रख कर दिखाती हूँ चीज़ें, है ना। ये हार्वेस्टिंग कर ली है, और सारे बैगनों में अभी बहुत कम फ्लावरिंग हो रखी है, और फ्लावरिंग हो रखी है लेकिन अभी बड़े नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ ये बीन्स, देखिए चौलाई जिसे बोलते हैं, इसको मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। देखिए बहुत अच्छी पेड़ों में लगने लग गई है मेरी, और ये देखिए यहाँ पर जितनी भी होती है तो एटलीस्ट मैं इसको मिक्स कर कर आलू के साथ, और आप कोई भी सब्जियों को बना सकते हैं इसकी। तो ये जो भी जितनी भी हार्वेस्टिंग होती है इसकी, तो उसको हम लोग आलू के साथ या मिक्स वेजिटेबल के हिसाब से आप बना सकते हो। तो अभी देखिए एक दो निकल रही हैं, जितनी भी निकल रही हैं उतनी एटलीस्ट मैं इसको कर लेती हूँ हार्वेस्टिंग, ना तो इसमें बीज निकल जाएंगे और चीज़ें इतनी, जिसको बीज पसंद है उसके लिए तो उसको तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस तरह से ये सारी चीज़ें की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी जब भी अपने गार्डनिंग में पौधे लगाते हैं, या तो एक से ज़्यादा, क्योंकि जो हम ग्रो बैग में लगाते हैं उसमें हमें बहुत अति नहीं मिलता है चीज़ें, या तो एक से ज़्यादा हमें लगानी पड़ती है वेजिटेबल, और उसका पौधा जो होता है उसको एक से ज़्यादा हमें पॉट में बनाना पड़ता है, तो जिससे कि हार्वेस्टिंग अच्छी हो सके। तो ये देखिए मैं बहुत खुश रहती हूँ हमेशा हार्वेस्टिंग से आपकी। देखिए कभी कभी जो भी वेजिटेबल आपके हार्वेस्ट हो जाती है तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है, जितनी भी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरी हार्वेस्टिंग की, और हाँ एक और ककड़ी भी, मैं आपको हमेशा अपना गार्डन जरूर दिखाती रहती हूँ क्योंकि मैं कोई कट नहीं करना चाहती। यहाँ पर भी देखिए ये ककड़ी है, एक ककड़ी भी लग रखी है, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये ककड़ी भी हमारी एक जो भी लग रही है, एटलीस्ट ये तो छोटा सा एक पॉट है उसी में ये लग रही है, तो मैं हमेशा हार्वेस्ट, और ये ना तो ख़राब हो जाती है ना, एक एक चीज़ रहती है तो ख़राब होने के चांस थोड़े से रहते हैं। तो ये देखिए ये मेरी हार्वेस्टिंग हो रखी है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ख़राब भी होने लग गई है ककड़ी, अच्छा हुआ मैंने टाइम से इसको ले लिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरी, एक बार गार्डन का ओवरव्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, नेल्स शुरू हो गए हैं, सब तरह के फ्लावर हैं मेरे गार्डन में, मोस्टली देखिए जितने भी इनफ हो जाते हैं। ये कनेर भी देखिए बहुत अच्छा खिल रहा है, गुड़हल देखिए बहुत अच्छा खिल रहा है, और अलमंडा का येलो फ्लावर है मेरे यहाँ पर, जेड रोपा है फ्लावरिंग कर रहा है, और यहाँ मधुकामनी का भी देखिए थोड़ा थोड़ा फ्लावरिंग कर रहा है। तो और 9 o'clock हुआ, रजनीगंधा हुआ, इस बार मैं बहुत खुश हूँ अपने रजनीगंधा से, ये भी मेरे को बहुत अच्छी फ्लावरिंग दिए हैं, और नाग चंपा देखिए। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।